So guys, this is Kamil and you're watching K Production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया Android के अंदर स्मूथ स्लो मोशन वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो iPhone जैसा. आपकी स्लो मोशन वीडियो पर बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा और आप प्रोफेशनली स्लो मोशन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो. तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ. ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर. तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक वीडियो एडिटर एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है BN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन को आप अपने आईफोन पर भी इंस्टॉल कर सकते हो और इसे आप अपने एंड्रॉयड पर भी यूज़ कर सकते हो. और इस एप्लीकेशन का खासियत ये है कि ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है. इसे आपको कहीं से भी क्रैक वर्जन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इसका पेड वर्जन खरीदने की ज़रूरत है. तो आप इसे जो है कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या आप इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको स्लो मोशन वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा स्मूथ स्लो मोशन करने के लिए. तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना. डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे BN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को. BN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इसका यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिलता है. नीचे आपको एक प्लस आइकन मिलता है, ये आप देख सकते हो. इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे. प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिलता है न्यू प्रोजेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो ऐड कर लेंगे जिसको आप स्लो मोशन करना चाहते हो. आप यहाँ से अपना वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो या आपको ऊपर में मिलता है ऑल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली फोल्डर से आप यहाँ से अपना वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ से मैं अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ. मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया. इस तरीके से आप भी अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद आपको नीचे मिलता है एरो का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा BN एडिटर एप्लीकेशन के अंदर. आप यहां से अपना जो वीडियो उसको प्ले कर सकते हो. सो ये आप देख सकते हो बिल्कुल हमारा नॉर्मल वीडियो है. और ऊपर में मिलता है ओरिजिनल, इस पर क्लिक करके आप अपने वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है. और वीडियो को स्लो मोशन करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ कर लेना है. सो आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन मिलता है, इसको आप डिलीट कर लेना. सो डिलीट के ऊपर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर लेना. तो सबसे पहले आप अपना जो वीडियोस को प्ले करेंगे, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ सेकंड छोड़कर अपना जो वीडियो है उसको स्प्लिट कर लेना है. तो वीडियो स्प्लिट करने के लिए आपको नीचे मिलता है स्प्लिट, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना जो वीडियोस को स्प्लिट कर लेंगे. उसके बाद आप अपना जो वीडियोस को प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद आप अगेन अपना जो वीडियो है उसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है. सो मैंने अपना जो वीडियोस को स्प्लिट कर लिया और ये जो क्लिप हमने स्प्लिट किया, इस क्लिप को हमें स्लो मोशन करना है, ठीक है. तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्पीड, आप इस पर आ जाएंगे. सो स्पीड पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्राफ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो. और ग्राफ के अंदर आपको व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है या बॉल की तरह इन्हें कह सकते हो, व्हाइट बॉल. तो इन डॉट को आपको क्या करना है, नीचे की तरफ लेके आ जाना है. सो अगर आप इन डॉट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे पकड़ के, तो आपका जो वीडियो है उसी पॉइंट पर फास्ट मोशन हो जाएगा. और अगर आप इसे पकड़ के नीचे की तरफ लेके आ जाते हो तो आपका जो वीडियो उसी पॉइंट पर, सिर्फ उसी पॉइंट पर ही आपका वीडियो स्लो मोशन हो जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉट को आपको नीचे की तरफ लेके आ जाना है कुछ इस तरीके से. उसके बाद हम फास्ट मोशन करना भी सीखेंगे. तो कुछ इस तरीके से आप डॉट को पकड़ के नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे. सो यहाँ तक आप लेके आ जाना. उसका जो नेक्स्ट बॉल है इसको आप नीचे लेके आ जाएंगे अगेन कुछ इस तरीके से. उसके बाद आप इसे भी नीचे लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से. उसके बाद आप इसे भी नीचे लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से. एंड उसके बाद आप इसे भी नीचे लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से. तो हमारा ये जो क्लिप है स्लो मोशन हो चुका है. अभी आपको नीचे मिलता है टिक मार्क ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे. एंड टिक मार्क के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो क्लिप है आप देख सकते हो स्लो मोशन हो चुका है. और यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हमारा जो क्लिप है काफ़ी छोटा था, लेकिन अभी ये काफ़ी बड़ा बन चुका है क्योंकि क्लिप स्लो मोशन करने के बाद उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. सो अभी यहाँ से प्ले करता हूँ. ये नॉर्मल क्लिप प्ले होगा सबसे पहले, नॉर्मल क्लिप, और अभी स्लो मोशन क्लिप प्ले हो रहा है. सो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर स्लो मोशन पर लैग दिखाई नहीं दे रहा है. और यहाँ पर अगर लैग दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रखा हूँ, इसलिए आपको लैग दिखाई दे रहा है. और बाद में हम इसे जो है हाई FPS में एक्सपोर्ट करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ स्लो मोशन हो, ठीक है. तो वीडियो का कंप्लीट देखा कीजिएगा. तो सबसे पहला जो क्लिप है इसको हमने स्लो मोशन कर लिया. सो स्लो मोशन करके मैंने आपको प्ले करके दिखा दिया. अभी ये जो क्लिप है इसको हम अगेन स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है. स्प्लिट करके इसके अंदर हम फास्ट मोशन ऐड करेंगे. तो यहाँ पर आपको अगेन जो है स्प्लिट कर लेना अपना जो क्लिप है उसको. सो स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये स्प्लिट हो चुका है. ये जो क्लिप है इसको हमें फास्ट मोशन करना है. तो अगेन आपको आ जाना है स्पीड पर
और स्पीड पर आने के बाद आप इस नीन डॉट को पकड़ के आप इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आ जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप सभी डॉट को ऊपर लेके आ जाएंगे। लेके आने के बाद आपका जो क्लिप है फास्ट मोशन हो चुका है, ये आप देख सकते हो। सो यहाँ पर आप इसको कर देंगे डन। डन करने के बाद यहाँ से मैंने प्ले किया और कुछ इस तरीके से ये फास्ट मोशन हो चुका है। सो मैं आपको बिल्कुल एंड में पूरा वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लिप है इसको भी हम स्लो मोशन कर लेते हैं। तो अगेन आपको आ जाना स्पीड पर, और स्पीड पर आने के बाद आपको क्या करना है, डॉट को आपको नीचे की तरफ लेके आ जाना है। इस ग्राफ को आपको नीचे लेके आ जाना है कुछ इस तरीके से। सो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जस्ट आपको फॉलो करना है। ओके ओके, तो ये स्लो मोशन कर लिया, उसके बाद इसको कर देंगे डन, ठीक है। सो ये जो क्लिप है स्लो मोशन हो चुका है। उसके बाद आपको अपना जो म्यूजिक है उसको ऐड कर लेना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है टैप टू ऐड म्यूजिक, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से म्यूजिक को चूज करेंगे। म्यूजिक चूज करने के बाद आप यहाँ से अपना जो म्यूजिक है सबसे पहले उसको ऐड कर लेंगे। सो मैं अपना जो म्यूजिक उसको ऐड कर लेता हूँ, जो कि ये रहा। सो म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको टिकमा का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा म्यूजिक आ चुका है। म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके आप म्यूजिक पर बीट्स भी ऐड कर सकते हो। बीट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, म्यूजिक को यहाँ जब प्ले करेंगे जहाँ पर भी बीट्स आ रहा है म्यूजिक का, वहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बीट्स ऐड कर सकते हो, ताकि बाद में आप इसी जगह पर कोई इफेक्ट वगैरह डाल सको मैच करके, ठीक है। सो उसके बाद इसको कर देंगे डन, और अभी यहाँ से प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो को प्ले किया। सो अभी आप प्रीव्यू देख सकते हो कि किस तरीके से वीडियो हमारा बन के तैयार हुआ है। लेकिन आपको सिर्फ म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना जो माइक्रोफोन उसको कनेक्ट करके रखा हूँ। सो ये जो फास्ट मोशन क्लिप है काफी जल्दी प्ले हो जाता है। सो मैंने आपको फिर भी दिखा दिया फास्ट मोशन क्लिप किस तरीके से प्ले हो रहा है। और अगर आप अपना कोई भी क्लिप को रिवर्स करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर स्प्लिट कर लेना है सबसे पहले उसी क्लिप को, और स्प्लिट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करने के बाद आपको रिवर्स मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो क्लिप उल्टा हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। सो यहाँ से मैंने प्ले किया और ये कुछ इस तरीके से उल्टा हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना जो वीडियोज़ को उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि रिवर्स कर सकते हो अपना इस क्लिप को नहीं, आप कोई भी क्लिप को कर सकते हो रिवर्स, एंड कोई क्लिप को आप फास्ट मोशन कर सकते हो, किसी भी क्लिप को आप जो है इस तरीके से स्लो मोशन भी कर सकते हो। सो मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया। अभी हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है, तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है FPS, इसको आप 60 सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आई गेस ये आपकी BN एडिटर एप्लीकेशन के अंदर 30 सिलेक्ट बाई डिफॉल्ट रहता होगा, तो आप इसे इस तरीके से स्लाइड करके 60 पर लेके आ जाएंगे। और ये मिलता है बिटरेट, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। सो ये मिलता है बिटरेट शायद आपकी BN एप्लीकेशन के अंदर लो रहता होगा या डिफॉल्ट रहता होगा, लेकिन आपको इसे स्लाइड करके हाई कर लेना है, ठीक है। सो हाई करने के बाद आपको ये जो मिलता है टिक मार्क, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप स्लो फास्ट मोशन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। साथ में मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि आप रिवर्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।